बाद एक बार फिर स्वागत है पुनीश न्यूज में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नवादा जिले की गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक मानाराम अपने घर से शौच के लिए निकले थे और इस दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया, साथ ही दोषियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। बेतिया में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और स्थानीय दुकानदारों के बीच झड़प हो गई है, जिसमें दो दुकानदारों के साथ साथ एक जामदार भी जख्मी हो गया। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि चमेनिया बाजार में बड़े पैमाने पर सैराब की जमीन का अतिक्रमण कर दुकान बना लिया गया है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। दुकान को नहीं बढ़ावे के दुकान बढ़ावे लगते रहनी इतने कभी नहीं उठाए काउंटर ढा देनी है उठाए के हमारे फटक के रोड पर एथू कर देनी दुकान ढा दे देनी तेल मोबिल डीजल पेट्रोल वाला लगनी हमारे हाथ एथू कर दे। तो पुलिस की टीम और दुकानदारों के बीच झड़प हो गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे किस तरीके से पुलिस और दुकानदार आपस में ही झड़प गए हैं। अतिक्रमण हटाने जब पुलिस वहां पर गई तब दुकानदारों ने उनसे ही झड़प करना शुरू कर दिया और इस दौरान कई लोग जो हैं इस अतिक्रमण में घायल भी हो गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बेतिया से संवाददाता मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश, अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर ही दुकानदारों ने हमला कर दिया है, क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है इसमें? जी, दुकानदार को अतिक्रमण दुकानदार द्वारा अतिक्रमण पूरा कर लिया गया था, जो कि पुलिस को सूचना मिली कि अतिक्रमण वालियों ने पूरा चौक रोड के सामने पूरा दुकान लगाए हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस गई हटाने के लिए, जिससे कि दो आरोपियों के द्वारा हाथापाई होने लगा, जो कि बहुत से ग्रामीणों इकट्ठा हो गया, दुकानदारों ने मिलकर जमदार को भी हाथापाई किया। तो कैसा अभी फिलहाल जो मुकेश वहां की स्थिति है वो कैसी बनी हुई है? जी, स्थिति अभी ठीक है, स्थिति कोई खराब नहीं है, अभी स्थिति बहुत ठीक है, जो कि थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि दुकानदारों द्वारा सब गलत काम किया गया है। तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ इस पर अब कहना है मुकेश, जो कार्रवाई उन्होंने की होगी कि किन्हीं भी जो दुकानदारों के साथ उनकी भिड़ंत हुई है, अतिक्रमण हटाने गए थे वहां पे वो, और कितने लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज किया गया है और क्या कुछ कार्रवाई की अब बात पुलिस कर रही है इसमें आगे? जी, अभी तो इलाज चल रहा है, अभी तो थाना प्रभारी द्वारा बात हुआ तो बोले कि अभी आवेदन नहीं मिला है, अभी इलाज होने के बाद आवेदन मिलेगा तो इस पर कार्रवाई किया जाएगा, दोनों बगल से आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश। तो बेतिया में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर ही दुकानदारों ने झड़प करना शुरू कर दिया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और इस पे कई लोग जो है घायल भी हो गए हैं। नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के मुढ़ारी गांव में बच्चों के बीच शुरू हुए विवाद के कारण दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें गोली लगने से एक व्यक्ति जख्मी हो गया, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बाल बच्चा से जा रहा था साइकिल लेके, वो रगड़ते चल गया, उसको समझाया, मैं पुल मिलके पूरा कहार मिलके मैंने उलझ गया, मार रहे रोड़ा चला था। हम हरनौत थाना को रिपोर्ट दिए, हरनौत थाना से प्रशासन पहुंचा, लौटा ही नहीं, गाँव में थे। ये जो था, समझाया उसको कि लड़ाई झगड़ा नहीं करो, पिस्तौल बंद करो, तभी गोली मार दिया, और बाद पीछे से गोली मार दिया। गुमला में डैम में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी ग्राम की है। मृतक की पहचान 60 वर्षीय विश्राम उरांव के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि मृतक अपने भतीजे के साथ डैम में मछली मारने गया था, इसी दौरान डैम के अंदर घास में फंस गया और इस हादसे का शिकार हो गया। बगहा के गंडक नदी में बीते दिन नहाने के दौरान डूबे दो बच्चों में से एक का शव बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि यह मामला शास्त्री नगर मोहल्ले का है, जहां नहाने के दौरान दो बच्चे पानी में डूब गए। फिलहाल लापता बच्चे की तलाश अब भी जारी है। और संवाददाता राकेश बगहा से जुड़े हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, ये बीते दिन का मामला है और एक बच्चे को सकुशल जो है बरामद कर भी लिया गया था गोताखोर की मदद से और स्थानीय प्रशासन की मदद से, और एक जो आज बच्चे की यहाँ पर मौत की भी पुष्टि हुई है, जो डूबने से उसकी मौत हुई, और अभी भी जो है फिलहाल एक बच्चा है जो कि अब तक लापता है, उसकी तरफ से क्या कुछ अब तक पुलिस का
कहना है? बता दें कि बगहा नगर के शास्त्री नगर मोहल्ला के सामने 4 बच्चे नहाने के दौरान डूब गए थे, जिसमें 2 बच्चे को ग्रामीणों के सहयोग से तो बच्चे को बचा लिया गया था और 2 बच्चे लापता हो गए थे, जो 36 घंटे बाद ग्रामीणों के सहयोग से नदी से आगे 101 बच्चे को मिला है। अभी भी एक बच्चा युवक जो है वो अभी लापता है, अभी खोज भी नहीं की गई है। सबसे दुख की बात है कि जो NDRF की टीम है, जो सरकार दवा करके हमारे हर जिले में NDRF की टीम तैनात है, जो आपात स्थिति में हर समय मुस्तैद रहता है, लेकिन बता दें 36 घंटे बीत जाने के बाद NDRF की टीम नहीं आई है। स्थानीय दूतावासों के सहयोग से युवक का शव एक बरामद किया गया, ये कि युवक की शव अभी लापता है। तो सरकार का जो घोषणा है, NDRF की टीम अब तक नहीं आई है राकेश, वहाँ पे तो क्या पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है इस पे कि अब तक घटना में मुझे लगता है 24 घंटे बीत चुके हैं, बीते दिन का मामला है, अब तक NDRF को की टीम वहां पर नहीं पहुंची, तो इससे बड़ी लापरवाही सामने कुछ और आ नहीं सकती, तो पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पे? अब प्रशासन इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, प्रशासन बोल रहा है कि इसकी सूचना दे दी गई है, स्थानीय दूताखोर के सहयोग से और ग्रामीणों के सहयोग से बच्चे की खोजबीन की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 36 घंटा बीत गई है, जो अभी तक एक बच्चा लापता है उसकी शव नहीं मिल सकी है, तो इससे बड़ी प्रशासनिक लापरवाही कुछ कहा नहीं सकता। प्रशासनिक जो दावे हैं पूरे तरह से खोखला है और जो परिजन जो बच्चा गायब है उसके परिजनों का बुरा हाल है, जिसका बच्चा गुम है, अभी तक ना शव मिला ना उसका का पता लगा, जिसको देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर पर पूरे तरह से लापरवाही बरती जा रही है। अगर सरकार और प्रशासन मुस्तैद रहती तो उसी दिन बच्चे की शव खोज ली जाती, जो आज 36 घंटे के बाद एक युवक की शव मिली है, अभी भी एक युवक लापता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश। तो आपको बता दें, ये बगहा का पूरा मामला है, 36 घंटे बीत चुके हैं इस पूरी घटना के बाद, लेकिन अब तक मौके पर NDRF की टीम नहीं आई है और प्रशासन ने अब तक इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से इन बच्चों को पानी से बरामद किया गया है और 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।